जरीपटका क्षेत्र में राजकुमार केवल रामानी स्कूल के पास पार्किंग में रखे दो पहिया वाहन को एक अज्ञात आरोपी ने ज्वलनशील द्रव्य डालकर आग लगा दी। दोनों वाहन जल गए। घटना सोमवार की सुबह करीब 5 बजे के दरमियान हुई। वाहन को आग लगाने वाले आरोपी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बारे में शिकायत मिलने पर जरीपटका पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर 526 लखवानी भवन के पास जरीपटका निवासी दर्शनलाल किंगरानी ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी गांधीबाग में कपड़े की दुकान है। सोमवार को सुबह करीब 5 बजे अज्ञात आरोपी ने उनकी दोपहिया वाहन MH49BA1356 और MH49W5698 को आग लगा दी। आरोपी पैदल आते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। उसके बाद दोपहिया वाहन को आग लगाकर फरार हो गया। घटना के बारे में पता चलने पर जरीपटका पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपुर। दर्शनलाल किंगरानी राहणार वसंत शाह चौक जरीपटका यांचे पार्किंगमधील 4 मोटरसायकल ॲक्टिवा मोटरसायकला कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अंदाजे 20 ते 22 वर्षाच्या मुलाने आग लावून नुकसान केलेबाबतची पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशन येथे भादवी 427 आणि 435 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील सीसीटीव्हीमधील अज्ञात आरोपीचा जरीपटका पोलीस स्टेशन यांच्याकडून शोध सुरू आहे।